फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी हम बताने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको। सबसे पहले आप अपना कोड मैच कर लेना, जो सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप अपना कोड मैच कर लेना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पहले रीड आउट करवा देते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजन एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइनिंग रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कह रहे हैं रेजिडेंटल स्टेटस डिटरमाइन करना है, उनके बारे में बताना है। एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एक यहाँ पे इंडिविजुअल जो फैमिली है उनके बारे में, इनकम टैक्स एक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे 1961। चलते हैं अब इसके आंसर की तरफ। हाँ, तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, उसका आंसर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF से, ठीक है, ये आपका अंडर टैक्स है, जो भी आपको दिख रहा है अंडर द एक्ट आपको ये दिख रहा होगा। ये सारा उतारना है आपको पहले, ये देन उसके बाद यहाँ से उतारना है आपको टैक्सीबिलिटी ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो टैक्स रेट है। फिर आपको इस जगह पे स्टॉप हो जाना है, इससे आगे आपको नहीं उतारना है, यहाँ पे आपको रुक जाना। हाँ फ्रेंड्स, तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से उतारना चालू करना है, सेक्शन 6, ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में ये पूरा आपको लिखना है। फिर आपको ये उतारना है। और वीडियो को अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, असाइनमेंट के जो आंसर है उनको भी प्रोवाइड करे जा सके। यहाँ पे एक ब्लू लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो ब्लू लाइन है आपको ये नहीं उतारनी है, ठीक है, तो इसको मत उतारना। इसके बाद नीचे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फिर आपको ये उतारना है। फिर यहाँ से आपको इतना वैसे नहीं उतारना है, आपको यहाँ पे रुक जाना है इस जगह पे। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, आप यहाँ तक लिख लोगे रेजिडेंटल ऑफ इंडियन कंपनीज, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भाई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, ये क्वेश्चन करेक्ट है। अगर जिसको जो स्टूडेंट नहीं लिखना चाहते वो प्लीज़ ना लिखें, फिर अगर आपको नहीं लिखना है ऐसा लगता है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना नेक्स्ट आंसर के लिए। थैंक यू।